तो आदिल भाई जो है कि हम यहाँ पर सुबह से जो है कि मऊ आए हुए थे जी जी बताइए। यहाँ पे जो है कि वोटिंग जो है कि गिनती हो रही थी जी। तो हम आए हुए थे तो हम ये जानने आए हुए थे कि किसकी लड़ाई चल रही है। अपने चैनल पे जो है कि अपडेट देने के लिए आए हुए थे ताकि हम भी अपने चैनल पे अपडेट दें। तो वहाँ पे बहुत से ज़्यादा जो है कि पुलिस बल तैनात थे, इसी वजह से जो है कि हम अंदर नहीं जा सके। तो वहाँ से जो है कि थोड़ा थोड़ा जो अलाउंस होता था वही सुनकर जो है मैं अपडेट थोड़ा अपने व्हाट्सएप ग्रुप था जो अहमदपुर असना का, उस पर थोड़ा देता था। तो आप तो यहाँ आए थे, तो अभी क्या दारा सिंह की पोजीशन चल रही है और मायावती की क्या पोजीशन चल रही है? देखिए, हम तो रात को 2-3 बजे यहाँ से गए और फिर सुबह में आ गए 7-8 बजे करीब यहाँ पे, फिर वापस आ गए। अच्छा। और अब जीत रहा है नहीं रहा है, मऊ की तीनों सीट, चारों सीट क्लियर हो चुकी है। अब्बास अंसारी सदर विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं, माननीय दारा सिंह चौहान जी 16,000 वोटों से घोसी से चुनाव जीत सके हैं और तकरीबन 20,000 वोट से माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार जी मोहम्मदाबाद से सीट जीत चुके हैं। और रही बात हाथी की, तो हाथी की कंडीशन इसलिए ख़राब है कि पीपल के पेड़ जो है बहुत ज़्यादा कट गए हैं। अच्छा। पीपल का पेड़ है नहीं, हाथी खाएगी क्या? खाएगी नहीं तो चलेगी कैसे? अच्छा। तो हाथी वालों की बात तो मैं पहले ही कह दिया था कि ये मतलब ये डिस्टर्ब करने के लिए, पैसा पानी में फेंकने के लिए, ये भाई बड़े बड़े लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था क्योंकि अपने समाज से हैं। लड़े भी हैं, खैर उनका उनका भी स्वागत है, सबका अपना अधिकार है कि चुनाव लड़ने का, स्वतंत्र है। लेकिन इस समय में उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ना कि मेरी किसी पे थोप रहा हो कि नहीं उनको लड़ना ही चाहिए था। अच्छे आदमी हैं, सोशल वर्क भी उनका अच्छा है, समाज में रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना उनका काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है। लेकिन जब लहर चलती हो कोई बदलाव की, तो उसमें ये इस समय में जब वो चुनाव के मैदान में कूदे, ये उचित नहीं था। और मुझको लगता है कि ठीक ठाक वोट वो भी पाए होंगे, हम तो उनके बारे में नहीं पूछे क्योंकि 21,000 पाए हैं, जो भी पाए हों। बहरहाल ये है कि तीसरे नंबर पे थे विजय राजभर, जो सेकंड रनर अप हैं, यहाँ से बीजेपी के सिटिंग MLA थे, सेकंड पे वो है। अब ये कितना वोट ये पाए हैं हम 21 नहीं बता, हो सकता है 35 भी पाए हों, तो इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं। लेकिन चुनाव हम लोग जीत गए हैं और जीतने के बाद यही आशा करते हैं माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी से कि अब जो जिस आशय से लोगों ने उनमें विश्वास करके वोट किया है, जनता को निराश न करके क्षेत्र के विकास की बात करें और बात क्या करें, क्षेत्र का विकास करें, काम करें, क्योंकि काफ़ी दिन से घोसी विधानसभा इस चीज़ से वांछित है, बड़े सारे विधायक रहे लेकिन काम के नाम पे सारे लोग सुनने रहे। इस बार अपेक्षा है माननीय पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जी से, क्षेत्र का विकास करेंगे, अपनी निधियों का सही इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने हमें एकदम विश्वास दिलाया है कि हर क्षेत्र में काम होगा, शिक्षा पे काम होगा, विकास पे काम होगा, बेरोजगारी पे काम होगा। और हम लोग अब चुनाव जीत के जा रहे हैं घर की तरफ, अभी हो सकता है माननीय मंत्री जी जाएंगे, प्रमाण पत्र लेंगे जहाँ पे काउंटिंग चल रही है, उसके बाद उनका आगमन होगा घोसी कार्यालय पे, हम वहाँ स्वागत करने के लिए उनके लिए खड़े रहेंगे। बस यही बात हम कहना चाहते हैं।